दोस्तों ये है Realme 5 Pro। वैसे ये जो हैंडसेट है इसका टेस्टिंग मैंने काफ़ी समय पहले कर दिया था, लेकिन कुछ कारणवश मुझे समय नहीं मिला तो अब मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। वैसे तो ये जो हैंडसेट है काफ़ी बढ़िया हैंडसेट है, और इस वीडियो में मैं आपको इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसका भी रिव्यू मैं आज लेके आऊँगा। फिर से मैं आपको पूछता हूँ कि इसके अंदर कुछ स्मार्ट चीज़ है आपको बताना है कि वो क्या है, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है Realme 5 Pro। अगर डिज़ाइन की बात करें तो यूनिक किस्म के डिज़ाइन टेक्सचर के साथ में आता है। वैसे इसका जो बॉडी है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से शाइन हो रहा है। हैंडसेट पकड़ने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर वज़न की बात करें तो इसका वज़न तकरीबन 184 ग्राम्स है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ दिया हुआ है, इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ये 6.3 इंचेस का स्क्रीन है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्टेड है। चलिए हार्डवेयर की बात करते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अभी जो 712 AIE ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, हमने देखा है कि इसे काफ़ी हैंडसेट्स पर उपयोग किया गया है, और इसका परफॉर्मेंस तो आप जानते ही होंगे। और अगर एंटूटू बेंचमार्क की बात करें तो ये देखिए ये स्कोर मुझे मिला हुआ है 1,78,000 का। तो इस पर पबजी गेम काफ़ी बढ़िया चल जाएगा। तो ये जो पबजी गेम है मैं HD और हाई क्वालिटी में खेल रहा हूँ, तो बेसिकली डेथ मैच खेल रहा हूँ। और ये देखिए गेम शुरू हो गया है। अब जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जिन पर जो एंटूटू स्कोर है वो 2 लाख के नीचे है, उस पर आप पबजी गेम खेल पाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कैमरा के बारे में बता दूं, पीछे साइड पर क्वाड कैमरास दिया हुआ है, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। ये हैंडसेट 4K वीडियो शूट कर सकता है। मैं आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें आपको अल्ट्रा 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप 48 मेगापिक्सल में शूट कर सकते हैं। नाइटस्केप मोड का भी ऑप्शन है और अल्ट्रा मैक्रो का भी ऑप्शन है। इसका उपयोग करके मैं आपके सामने ही ये देखिए ये जो बाइक है इसका शॉट खींच लेता हूँ। ये देखिए ये है वो शॉट, ये कुछ शॉट्स है जो मैंने इसी हैंडसेट से शूट किया हुआ है। ये मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया हुआ है, ये मैंने नॉर्मल मोड में शूट किया हुआ है, और ये मैंने 2x जूम के साथ में शूट किया हुआ है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 2x, 1x और जो वाइड एंगल है इसमें कलर चेंज हो गया है। ये है पोर्ट्रेट शॉट जो मैंने कह सकते हैं कि आउटडोर कंडीशन में शूट किया हुआ है। ये है एक और पोर्ट्रेट शॉट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो बैकग्राउंड है कभी कभार सब्जेक्ट के साथ में मिक्स हो जाता है, मतलब कि जो एज डिटेक्शन है वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये जो इशू है फिक्स किया जा सकता है। ये मैंने नॉर्मल मोड में शूट किया हुआ है 2x जूम, और ये है नाइट शॉट जिसे मैंने नॉर्मल मोड में शूट किया हुआ है, लेकिन अगर आप नाइटस्केप मोड का उपयोग करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार का शॉट आ जाता है। कमाल का शॉट है और काफ़ी क्लैरिटी है, और यकीन नहीं होता है कि ये जो शॉट है ये मैंने नाइट में शूट किया हुआ है। और ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने नॉर्मल मोड में शूट किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रियल बाइक आपके सामने है, लेकिन ये रियल नहीं है, एक टॉय है। और ये जो शॉट है ये मैंने अल्ट्रा मैक्रो मोड से शूट किया हुआ है। ये देखिए एक और शॉट, और ये है वो शॉट जिसे मैंने अभी अभी वीडियो में शूट करके आपको बताया था। ये है मेरा सेल्फी शॉट, काफ़ी बढ़िया आ गया है, जो इमेज है काफ़ी शार्प है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो एज डिटेक्शन है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब ये जो इशू है सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए फिक्स किया जा सकता है। और ये जो इशू है एज डिटेक्शन का, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको कभी कभार आ सकता है, खास करके जब बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो लेफ्ट हैंड वाला शॉट है ये मैंने नॉर्मल मोड में शूट किया हुआ है, और जो राइट हैंड वाला शॉट है ये मैंने 48 मेगापिक्सल में शूट किया हुआ है। तो बेसिकली 48 मेगापिक्सल का जो शॉट है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। देख सकते हैं कि एक तो जो डायमेंशंस है वो भी बढ़ गया है, और जो फाइल साइज़ है वो भी बढ़ गया है। और अगर ये शॉट की तरफ ध्यान दें तो इसका डायमेंशन कम है, ये देखिए इस प्रकार से। तो दोनों में अंतर क्या है ये देखिए, दोनों शॉट्स आपके सामने हैं, वैसे तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ और उसी लेवल पर यहाँ पर भी जूम इन करूँ तो देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन अगर मैं और जूम इन करूं, ये देखिए मैं मैक्सिमम यहाँ तक जूम इन कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ तक, और ये जो शॉट है इसमें मैं ये देखिए काफ़ी दूर तक जूम इन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे इस लेवल पर रखूं और इसे भी मैं इस लेवल पर रखूं तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी है। 48 मेगापिक्सल से शूट किया हुआ जो शॉट है, अब कुछ लोग तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार इसमें तो
48 मेगापिक्सल का कैमरा है और क्लैरिटी अच्छी आएगी। जी हाँ, क्लैरिटी तो अच्छी आएगी, लेकिन जब आप जूम इन करेंगे तो ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलने वाला है। क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर है नॉर्मल मोड से, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप कूदने लगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो 48 मेगापिक्सल से शूट किया हुआ शॉट, अगर आप प्रिंट करेंगे तो जो प्रिंट क्लैरिटी है वो बेहतर होगा नॉर्मल शॉट के कंपैरिजन में। इतना ही नहीं, अगर आप 48 मेगापिक्सल से लिया हुआ जो शॉट है, अगर उसे आप बड़े पेपर पर प्रिंट करेंगे, जो क्लैरिटी है वो बेहतर होगी नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने लोग प्रिंट करने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि आपने तो स्मार्टफोन का उपयोग किया होगा फोटो खींचने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, तो ये जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इन्हें आपने सोशल नेटवर्क्स पर तो शेयर किया होगा, व्हाट्सएप पर शेयर किया होगा, कभी आपने इन फोटोज़ को प्रिंट किया है? अगर आपका जवाब ना है तो 48 मेगापिक्सल हो या 64 मेगापिक्सल हो या 100 मेगापिक्सल हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ जो फाइल साइज़ है वो बढ़ जाता है, लेकिन जब आप इसे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने वाले हैं तो जो सोशल नेटवर्क्स है वो ऑटोमेटिकली फाइल साइज़ को कम कर देगा। हाँ, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है बस उतना ही, लेकिन चलता है 48 मेगापिक्सल हो या 64 हो, जब तक प्राइसिंग अच्छा हो। ये 4K वीडियो है, शेक हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, लेकिन अगर मैं शॉट को 1080p में रिकॉर्ड करूं तो यहां पर आपको थोड़ी बहुत बेहतर स्टेबिलिटी मिल जाती है। ये हैंडसेट स्लो मोशन वीडियोस भी शूट कर सकता है और ये है सैंपल। ओवरऑल ये जो हैंडसेट है, इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। जब मैं एक्सीलेंट कहता हूं, मतलब कि जो कैमरा है कैपेबल है, और बहुत कुछ आपके फोटोग्राफी स्किल पर भी निर्भर करता है। इसमें 4035 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है जो आपको तकरीबन 2 दिन का बैटरी लाइफ दे देगी मिक्स्ड यूसेज के तहत। और ये हैंडसेट वूक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। अब वूक चार्ज 3.0 चार्जर का उपयोग करके आप ये जो हैंडसेट है इसे तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर पाएंगे। साउंड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इस हैंडसेट पर मुझे कोई भी मेजर इशू नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, यह है Realme 5 Pro, बहुत ही बढ़िया हैंडसेट है और बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है। कीमत है 13,999 रुपये। ये Flipkart पर लिस्टेड है, लेकिन Flipkart पर मिलना इतना आसान नहीं है, जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अगर आप ये हैंडसेट खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।